हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी के फ्राइड कुकीज, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए ये कितने खस्ता बनकर तैयार होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी की फ्राइड कुकीज़। सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल। बॉल में डालेंगे 3/4 कप मैदा, जिसको हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी को भी हम अच्छे से छान लेंगे। दोनों चीजों को अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। चीनी को भी अच्छे से आटे में मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से आटे में मिला देते हैं। और ये देखिए तेल हमारा अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसको एक बार अच्छे से और नीट कर लेंगे। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। जितने साइज के आपको बिस्किट बनाने हैं उस हिसाब से आप लोई बना लें। अब हम इसके ऊपर नाइफ की हेल्प से इस तरह से डिजाइन बना देंगे। और ये देखिए हमारा एक बिस्किट बनके तैयार हो गया है। इसी तरह हम एक और बना लेंगे। बस अब हम बिस्किट को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को हल्का गर्म ही करेंगे। हल्के गर्म तेल में अब सभी बिस्किट को हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। सभी बिस्किट को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए बिस्किट्स दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे सूजी के बिस्किट्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। और ये देखिए कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।